चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो भी वादे हैं वो इंशाल्लाह सब पूरे किए जाएंगे। तो बिना पक्ष विपक्ष रखते हुए आप लोग सब आप सभी के लिए काम करें। आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम किया है जो कांडले की बेहतराई के लिए सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे सबसे पहले इस महफिल के दूल्हे चेयरमैन साहब को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ, और साथ ही जो हमारे 25 मेंबर जीत कर आए और जो नहीं भी जीते वो भी हमारे लिए जीते हुए ही है, तो सभी को मुबारकबाद। आज नहीं तो कल का समय अपना ही है, तो मायूस ना होए। और जो जीते हैं फिलहाल उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद। आज हमारे बीच में सुधीर पवार साहब जो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं हमारे बीच में हैं, जिला अध्यक्ष साहब अशोक चौधरी, और बहुत अच्छा जिनको मुझे यहाँ पर देखकर लगा नरेश सैनी जी जो कि चेयरमैनी का चुनाव लड़ चुके हैं, मैं उन्हें बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आकर जो माहौल यहाँ पर बनाने का काम किया है वो बेहद तारीफ के काबिल है। ये जो कांधला की धरती है यहाँ पर मेरा गहरा रिश्ता है, मेरे नाना मामा आप लोग सब हैं भाई, तो बहुत लंबी लिस्ट है जिनके नाम लेने चाहिए लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा और ध्यान भी मुझे नहीं रहेंगे, फिर आप लोग शायद नाराज़ हो जाए मुझसे, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जो हमारी टीम है वो जानती है, जो मेरी टीम रही है इस चुनाव में, जिन्होंने चुपके से मनाने का काम करा या जिस भी तरीके से अपने काम पर वो लोग लगे रहे, जो जो वो हैं वो जानते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चौधरी खिलाफ़, चौधरी खिलाफ़। कुछ लोग हमने हमारे कैराना से भी आपके बीच यहाँ पर चुनाव के प्रचार में लगे हुए थे, और तारिक मामा मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनकी भी बहुत मेहनत रही। कैराना से हमने अपनी पूरी टीम यहीं लगा रखी थी, वहाँ तो हम चुनाव में थी नहीं। तैयब चाचा ने यहाँ पर रहकर बहुत दिन बहुत मेहनत करी, बुखार भी हुआ तो उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आप सभी लोग, क्योंकि हम ये सीट जीते हैं, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ये इकलौती हमारे ज़िले में ऐसी सीट है जो समाजवादी जीती है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने जो इस पार्टी की, हमारे सबकी, जितने लोग यहाँ पर जिन्होंने मेहनत करी है उनकी इज्जत को जो आपने संजोने का काम किया है, ये इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी, उन्होंने भी अपना संदेश भिजवाया है, कुछ दिन बाद हम लोग उनसे मिलने भी जाएंगे, तो उनकी तरफ से भी कांधला वालों को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम किया है जो कांधले की बेहतराई के लिए सोच रहे हैं। ये जो आज का आपका प्रोग्राम है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और जो तालीम में जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, ये पहला ऐसा, आज हम भी 4 कार्यक्रमों से होकर आए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर अवार्ड इस बात के लिए दिए जा रहे हैं। अगर ये अंदेशा है कि कांधले में कैसा काम होने जा रहा है, तो आप आज ही उस बात का अंदेशा लगा सकते हैं कि बेहतर से बेहतर काम कांधले में होगा। ये जो चुनाव है, चुनाव के दौरान बहुत सी बातें होती हैं, सबके अपने पक्ष और विपक्ष होते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब किसी जनप्रतिनिधि का चयन होता है तो वो सिर्फ अपने समर्थकों का जनप्रतिनिधि ना होकर सभी का जनप्रतिनिधि है। तो मेरी चेयरमैन साहब से ये गुजारिश है कि, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है वो खुद ही इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो भी चुनाव में बीता वो बात चुनाव के साथ है, अब पूरा कांधला कस्बा आपका है और आप कांधला कस्बे के हैं, तो बिना पक्ष विपक्ष रखते हुए आप लोग सब आप सभी के लिए काम करें, किसी को भेदभाव का एहसास ना हो, कांधला के विकास के लिए सबसे ज़्यादा काम हो, और ये हमारे आलिमों और तालीम का शहर है, तो यहाँ पर
अगर हम तालीम के लिए, सबसे अहम मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम तालीम के लिए यहाँ पर काम करें तो मुझे लगता है कांधला पूरे ज़िले में तालीम के फील्ड में सबसे आगे रहेगा इंशाल्लाह। जो भी वादे हैं वो इंशाल्लाह सब पूरे किए जाएंगे। और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने अपना प्यार, सम्मान और साथ समर्थन हमें दिया है, कुछ दिनों के लिए आप लोग थोड़ा और सब्र करके चेयरमैन साहब का इस काम को पूरा करने में, आपके सारे कामों को, आपको सहूलियत पहुंचाने में सहयोग करें। क्योंकि बहुत दिन के बाद आज एक ऐसे चेयरमैन आपके बीच में है जिनके यहाँ आपकी सुनवाई है, ये सबसे अहम चीज़ है। अगर जनप्रतिनिधि आप, जिसे आप रोक कर अपनी बात ना कह सके, तो सब वहीं पर हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे चेयरमैन हैं, इतने मृदुल भाषी हैं कि ये सभी की बात सुनते हैं और इंशाल्लाह सभी के लिए काम भी करने का प्रयत्न करेंगे और आपके बीच में रहने का काम करेंगे। ये जो आपकी जीत है कांधले की, इस जीत से सबसे ज़्यादा दिल खुश हुआ है और हमें भी हिम्मत मिली है कि हम लगातार अपने कस्बे में आते रहें, आप लोगों के बीच में बने रहें और इसको आज से आने वाले टाइम तक इंशाल्लाह समाजवादी का गढ़ बना के रखें। आपके बीच में हमारा आना जाना पहले भी था और आगे भी लगा रहेगा। और आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप भी अपना प्यार और समर्थन इसी तरीके से, गलती भी अगर होगी तो उसके भी सुनने के लिए हम आपके बीच में हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो आपका हमारा आज साथ जुड़ा है एक पद के नाते से, इसको इंशाल्लाह मजबूती देंगे और बरकरार रखने का काम करेंगे। तो आज बहुत खुशी का दिन है, फिर से मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ तहे दिल से। और हमारे जो नरेश सैनी जी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आ करके यहाँ पर एक समागम जो बनाने का काम किया है। बहुत ही अच्छा लगा उनकी बात सुनकर भी, और उनसे भी निवेदन है कि उनके समर्थक भी सहयोग करें हमारे चेयरमैन साहब का, ताकि हमारे कस्बे की तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सभी के लिए हो सके। तो अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। प्रोग्राम को थोड़ा पक्षी से चला, एक मिनट आपको निराश